मार्क्स का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 90% वाला ही अच्छा गिना जाएगा। जैसे स्कूल में एक प्रेशर होता है 90% 95% अच्छा माना जाता है, नहीं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट, आपको नहीं जानता ना वो पर्सनली, आपको नहीं जानता आप कैसे हो, आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, वो आपकी शीट आपके बारे में बताती है। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की वीडियो लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट बीबीए बीसी स्टूडेंट्स के लिए। सारे डाउट्स आपके कि मैम मेरे से बीबीए बीसी होगी या नहीं, मेरे पास सिलेबस कैसा होगा, सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, 11th 12th में मैथ्स नहीं था कैसे करूंगा, एग्जाम्स कब होते हैं एंड कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, कितने मार्क्स होते अच्छे काउंट होते हैं बीबीसी के अंदर, ये सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जितने भी कमेंट सेक्शन में डाउट्स हैं ना, तो मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करके डाल दिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यार। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो ना, आप लोगों को ना एक माइंड में ना चीज़ है, जैसे आपको बोला गया था कि बस 9th से लेके 12th तक पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद लाइफ ईजी हो जाएगी, कॉलेज में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। सबके सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं आपकी इमेज ऐसी है माइंड में कॉलेज की कि वहाँ जाके पढ़ना नहीं पड़ता। तो जब वो एक बार इमेज क्रिएट होगी कि नहीं पढ़ना पड़ता, तो अब थोड़ा सा भी पढ़ना पड़ता आपको लगता है, बोला तो था कि कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता, इतना तो पढ़ना पड़ रहा है। मतलब अगर सिर्फ थोड़ा सा भी पढ़ने को कह दिया जाए तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है, अरे ये बोला था कि कॉलेज में कम पढ़ना पड़ता है, स्कूल में अच्छे से पढ़ लो। वो थोड़ा सा पढ़ना भी आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ आ चुकी है कि कॉलेज में बिना पढ़े मार्क्स आते या फिर कॉलेज में पढ़ना ईजी होता है। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दो, कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है। आपने ये जो सोच लिया कि कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता, यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपसे बीबीए बीसी हो जाएगी कि नहीं। अब तक आपने 12th तक सर्वाइव किया है ना, 12th तक अच्छे से पढ़े हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो बीबीए बीसी में क्यों आएगी। मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि मेरे से बीबीए बीसी हो जाएगी कि नहीं। ऑफ कोर्स आप लोगों से बीबीए बीसी, आप कुछ भी कर रहे हो, बीकॉम बीटेक कुछ भी, कोई बच्चा कोर्स चूज कर रहा है उससे वो कोर्स हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बट माइंड में ये नहीं रखना कि अब मैं कॉलेज में हो गया हूँ, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉलेज की स्टडीज स्कूल की स्टडी से ईजी होती है, बट उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बेसिकली आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ कि आपके लिए जो बीबीए बीसी है वो टफ नहीं है, ईजी है। बस माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि कॉलेज में नहीं पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना है लेकिन स्कूल से कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हो जाएगी बीबीए बीसी आपसे, अब देखते हैं। मैम ऐसे कहने से थोड़ा ना हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला कि आपसे बीबीए बीसी हो जाएगी, पूरा वेल एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपसे बीबीए बीसी हो जाएगी। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैम बीबीए बीसी के सब्जेक्ट्स ईजी है। तो पहले बात करते हैं बीबीए स्टूडेंट्स की। तो बीबीए स्टूडेंट्स को तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो कॉमर्स में आप पढ़ते थे 11th 12th में वही होने वाले हैं, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। और जो कोई आर्ट्स से भी जा रहा है बीबीए के अंदर, उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, मतलब कम से कम 2 घंटे तो रोज पढ़ना है, फिर आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बीसी के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, बीसी के सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, 11th 12th से उनका कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता, थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बीसी स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क करना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने करने हैं और कैसे करने हैं, मतलब डिवाइड करके करना पड़ता है काम कि अब मैं पहले 10 दिन ये 2 सब्जेक्ट्स खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट 10 डेज 2 सब्जेक्ट्स खत्म करूंगा। कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना कि कॉलेज जब करवाएगा मैं तब करूंगा, ऐसे डिपेंड नहीं रह सकते। वो एक टॉपिक एक दिन में भी करवा सकते हैं, एक टॉपिक आपको 2-3 दिन भी चला सकते हैं, वो सिलेबस कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप उन पर डिपेंड नहीं रह सकते। हो सकता है एग्जाम्स हैं और थोड़े दिन पहले आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपने सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे आप YouTube के थ्रू करो चाहे कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट्स टफ हैं क्या। सब्जेक्ट्स देखो सारे तो टफ नहीं होते ना, सारे टफ नहीं होते, सारे ईजी नहीं होते, चाहे बीबीए का स्टूडेंट है चाहे बीसीए का स्टूडेंट है। एक या 2 सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं जो नॉर्मल आपसे हो जाते हैं। तो जो ईजी सब्जेक्ट्स है आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट है थोड़े कम भी आए तो चलता है ना, आपने पास तो हो गए ना अच्छे नंबर से, ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल ही डाउन चले जाओगे। थोड़ा टफ है तो बाकी इजी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उसमें फेल हो जाओ, इतने टफ नहीं है। तो जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लग रहे हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, जो थोड़े ईजी लग रहे हैं जिसमें मतलब सिर्फ थ्योरी थ्योरी लर्न करनी है वो आप ईजिली कर सकते हो। अब टफ सब्जेक्ट क्या होते हैं और ईजी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। टफ
टफ सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कोई भी रट्टा नहीं लग सकता, मींस आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब्जेक्ट करना कैसे है, लर्न करके नहीं काम चल सकता, आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है। अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, प्रोग्रामिंग होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, ये सारे सब्जेक्ट्स टफ में क्यों आते हैं, मैथ्स बच्चे टफ क्यों कहते हैं, क्योंकि लर्न नहीं कर सकते, है ना। आज मैं आपको एक क्वेश्चन लर्न करा के आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, और जिसमें हमें माइंड लगाना पड़ता है ना, जो चीज़ ईजिली नहीं होती हमें लगता है वो सब्जेक्ट टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें आपको माइंड लगाना पड़ रहा है ना, वो सब्जेक्ट्स अपने रेगुलर बेसिस पे कर लो, और जिन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ लर्न करना है आपको पता लग जाएगा वन मंथ के अंदर अंदर कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट ईजी है। जिसमें आपको लगता है सिर्फ लर्न ही तो करना है, पढ़ के समझनी तो है चीज़ें, उनको आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे वीक में दो बार कर रहे हो, वीकली बेसिस पे कर रहे हो, वीक में थ्राइस कर रहे हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कि इस सब्जेक्ट को मुझे रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, प्रोग्रामिंग्स के सब्जेक्ट हो गए जिसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है, उन सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे करोगे। तो सारे सब्जेक्ट ईजी नहीं है, सारे सब्जेक्ट टफ नहीं है, टफ वालों को रेगुलर बेसिस पे करो, थोड़े ईजी हैं उनको अपने टाइम अकॉर्डिंग दे दो। ईजी में आपने ईजी सब्जेक्ट्स को लाइटली नहीं ले लेना, नहीं देना ईजी का आपने वैसे ही नहीं पढ़ा कि ईजी है छोड़ दिया, उसमें भी मार्क्स नहीं आए, टफ वाला तो वैसे ही टफ था, ऐसे नहीं करना। ईजी वालों को भी टाइम देना है, क्योंकि वो भी आपकी परसेंटेज में उतना ही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो आपने ऐसे करना है, जो टफ सब्जेक्ट्स हैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं उनको वीकली पढ़ना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट इज सिलेबस। क्या सारा सिलेबस करना होता है, मतलब जो यूनिट वाइज आपको सिलेबस दिया होता है, इतना बड़ा मैं PDF भेज देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स की, क्या वो आपने सारे सिलेबस करना होता है? नहीं करना होता, आपके एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है। मान लो आपके एग्जाम में यूनिट में से हर एक क्वेश्चन करना है, जैसे दो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन करना है, तो आप सारा सिलेबस करके क्या करोगे? जब दो क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है, तो आप हर यूनिट में से ऊपर वाले दो दो चैप्टर्स पहले पढ़ना शुरू करो। जैसे यूनिट वन कर रहे हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं आप यूनिट वन के पहले सारे चैप्टर्स खत्म कर दो। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, यूनिट वन के ये नहीं आप सारे चैप्टर्स खत्म करो फिर यूनिट टू पे सारे चैप्टर्स कर रहे हो, नहीं। यूनिट वन में मान लो तीन चैप्टर्स हैं, तो पहले आप ऊपर वाले दो चैप्टर्स कर लो, थर्ड बाद में कर लेना, पहले सेकेंड यूनिट कर लो। ऐसे हर यूनिट में अगर चार चैप्टर हैं तो ऊपर वाले दो चैप्टर्स कर लो, दो चैप्टर हैं तो ऊपर वाला एक चैप्टर कर लो, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हाफ चैप्टर्स आप कर लो। अगर तीन चैप्टर्स है ना, तो ऊपर वाले दो चैप्टर्स आपको करने हैं, वन एंड हाफ नहीं करना, फिर ऊपर वाले दो चैप्टर्स करने हैं। तो हर जो भी आप सिलेबस कर रहे हो, हर यूनिट के अंदर पहले हाफ हाफ सिलेबस कर लो, पहले यूनिट्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में चॉइस है कि एक क्वेश्चन करना है तो पूरा सिलेबस करने की ऐसा जरूरत नहीं होती। कॉलेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। मान लो आपने तीन चैप्टर्स कर लिए और तीनों में से एक भी अच्छे से नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप तीन में से दो करके जा रहे हो और वो आपने अच्छे से कर रही है, एग्जाम में चॉइस तो मिलने वाली है, आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे आपको 16 के 16 मार्क्स है, जितने भी मार्क्स का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने हर सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस यूनिट वाइज करना है, हर यूनिट के पहले दो दो चैप्टर्स करने हैं, फिर उस यूनिट को कंप्लीट करना है, क्योंकि चॉइस मिलने वाली है, एक दो चैप्टर्स करके भी आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे यूनिट वाइज करने से भी आपके 80 में से 75 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। मैं 5 मार्क्स क्यों डिडक्ट कर रही हूँ, कंपल्सरी क्वेश्चन में आपका रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज 75 प्लस आ जाते हैं। ज़्यादा करने के चक्कर में खराब पेपर नहीं करना, कम करा, लिमिटेड करा, अच्छा किया, 80 में से 75 प्लस भी आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आप यूनिट वाइज भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सारा सिलेबस नहीं करना होता, हर यूनिट में पहले दो चैप्टर, चार है तो पहले दो कर लो, तीन है तो भी पहले दो करो, ठीक है। तो मतलब आपको मैक्सिमम करना होता है, एक छोड़ सकते हो आप अपना कोई भी चैप्टर। फिर आगे नो मैथ्स इन 11th 12th। सबसे बड़ा डर कि मेरे पास तो मैम 11th 12th में मैथ्स नहीं था, अब मैंने BBA ले लिया, अब मैंने BCA ले लिया, अब बताओ मैं क्या करूं, इसमें तो मैथ्स है, इसमें तो स्टैट्स है। तो डोंट वरी, आप बहुत ईजिली कर सकते हो ये वाला मैथ्स भी। क्यों? जो आपका BBA BCA में मैथ्स है, ये कोई दूसरे प्लैनेट का मैथ्स नहीं है, सिंपल सा मैथ्स है जो आपको 11th 12th में करना था, जो स्किप हो गया, आप वही सेम सिलेबस आपका कहाँ डाल दिया, BBA BCA के अंदर डाल दिया। अब आपने 11th 12th में तो नहीं किया, अब आप वही सेम चैप्टर्स कहाँ कर रहे हो, BBA BCA में आके। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन इतने टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। दूसरी चीज़, जब आप 10th में थे, आपका मेच्योरिटी
मेच्योरिटी लेवल अलग था, आपको पता नहीं था चीज़ों को पढ़ना कैसे है, आपको किसी ने पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, नहीं मन करा तो नहीं पढ़ा, मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, आपको फ्रेंड्स में रहना पसंद था, मतलब आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता था कि मार्क्स लेने हैं। लेकिन अब आपकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ा 10th से अबव है ना, थोड़ा अप हो गया मेच्योरिटी लेवल, अब आपको पता है कि पढ़ना ज़रूरी है, अब मुझे पढ़ना है, मुझे मैथ्स के कंसेप्ट करने हैं, तो अब आप थोड़ा अच्छे से मैथ्स पकड़ना शुरू करते हो, मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे से करते हो, वो आपको जल्दी समझ आ जाते हैं। ये कोई भी रीज़न नहीं है कि 11th 12th में मैथ्स नहीं था तो मुझे BCA में नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि 11th 12th वाला मेरा स्टेप छूट गया, मैं डायरेक्टली BCA में मैथ्स कैसे कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये 11th 12th वाला ही मैथ्स है, थोड़े वो टॉपिक्स ऐड ऑन है BCA के, लेकिन आप ईजिली कर पाते हो और ये चैनल आपको कोई दिक्कत आने भी नहीं देगा। मैं ये खुद के लिए नहीं कह रही कि हाँ ये मेरा चैनल है इसलिए, बाकी स्टूडेंट्स ने भी अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं पूरा पूरा सिलेबस चैनल पे करके, और मैंने पूरा पूरा सिलेबस डाला हुआ है। अगर आप पूरा रेगुलरली बेसिस पे पढ़ रहे हो, ये नहीं एक रात बैठे 6-7 वीडियो देख दी मैम मेरा तो होगा चैप्टर, नहीं, ऐसे 6-7 वीडियो एक बार देखने से आपके कंसेप्ट एकदम थोड़ा ना माइंड में चला जाएगा। रोज 2-3 वीडियोज देख के उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, तब जाके आपको ये मैथ्स क्लियर होगा। और मैथ्स की तो पक्का बोल रही हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रोज 2-3 वीडियोस देख के फॉलो कर रहे हो। एक दिन में 8 वीडियो देख ली, पूरा वीक देखा नहीं मैथ्स तो काम नहीं चलेगा। मैथ्स में मैं पहले ही बता रही हूँ, रोज 2-3 वीडियोस देखो। अब देखो आप एक दिन में 8 वीडियोस देखोगे तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना, हाँ मेरे चैनल पे 8 वीडियोस देख रहा है एक बच्चा बैठ के एक ही दिन में, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ एक दिन में 8 वीडियोस नहीं देखनी आपने, आपने रेगुलर 2-3 वीडियोस देखनी है, वही कंसेप्ट अपनी बुक से करना है, आराम से आपका ये मैथ्स भी कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा अच्छा 11th 12th में मैथ्स नहीं था, अरे BCA का तो इजी है मैं कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे स्टैट्स भी आपके पास तो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्स। एग्जाम्स कब होते हैं मैम? तो कब होते हैं एग्जाम्स? 2 बार होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होता है। एक एग्जाम्स होते हैं आपके नवंबर दिसंबर में और एक आपके एग्जाम्स होते हैं मई में जाके, ठीक है। अब कोरोना के कारण क्या हो रहा है कि जो दिसंबर वाले एग्जाम्स हैं वो जनवरी में चले जाते हैं और जो मई वाले एग्जाम हैं वो जून जुलाई में चले जाते हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल टाइम है एग्जाम्स का वो क्या है, दैट इज नवंबर दिसंबर में हो जाता है, नवंबर एंड में एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप एंड में जाके पढ़ लोगे स्कूल में, जैसे मार्च में एग्जाम्स हैं जनवरी पढ़ना शुरू किया और जनवरी फेब में पढ़ के मार्च में अच्छे एग्जाम्स मार्क्स ले लिए, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके नवंबर में एग्जाम्स हैं तो आपको अक्टूबर से पहले पहले अपना सिलेबस या अक्टूबर मिड तक सिलेबस खत्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका मतलब रिवीजन पीरियड स्टार्ट होगा। एक चीज़ हो, जैसे अब तक आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, अभी कुछ कॉलेजेस का मुझे पता लगा कि अभी जस्ट रिसेंट स्टार्ट होने, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो आपके एग्जाम्स हो सकते हैं जनवरी में जाए। जैसे आपके जनवरी में एग्जाम्स हैं तो दिसंबर की स्टार्टिंग से पहले, मतलब दिसंबर तक आपका हो जाना चाहिए सिलेबस, दिसंबर की स्टार्टिंग से, दिसंबर के मिड वीक से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर जनवरी में एग्जाम्स हैं दिसंबर मिड वीक से, जैसे दिसंबर मिड में आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्या रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। एग्जाम्स की जब भी डेट है उससे 15 डेज पहले आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाना चाहिए अच्छे से, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अच्छा, अगर तो आपने ऐसे टाइम निकालना है कोई बात नहीं मैम, देखी जाएगी कितने मार्क्स आएंगे, 60-70% ले लेंगे, इतने तो देखे जाएगी जो होगा, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं है जो सोचते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो देखा जाएगा, जैसे भी होगा हम देख लेंगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। जिन्होंने सीरियसली BCA में मार्क्स लेने हैं, अच्छा लाइफ में कुछ अटेन करना है, उनके लिए ये वीडियो है कि जिन्होंने हाँ पढ़ना है सीरियसली, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो, अकाउंट्स, मैथ्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपको अपने माइंड से करने होते हैं, उनके क्वेश्चंस बुक से नहीं होते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मार्क्स, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं BCA में। तो देखो मार्क्स का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 90% वाला ही अच्छा गिना जाएगा, जैसे स्कूल में एक प्रेशर होता है 90% 95% अच्छा माना जाता है, नहीं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो जिसने स्कूल में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो वो 85% तो अपने मान के चले, कॉलेज में मार्क्स लेना ईजी है एज कम्पेयर टू स्कूल। क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपने ज़रूर लगा के जाने हैं जब भी आपके एग्जाम्स हैं, मान लो 2021 में आप दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो पेपर, तो 2021, 2020, 2019, 2018 से लेके 2021 में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हों सब्जेक्ट के, वो आपने एक बार देख के जाने हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ईजिली मार्क्स आ जाएंगे। जैसे नॉर्मली 75% से ऊपर या 75% यहाँ तक मार्क्स अच्छे काउंट होते हैं, कम भी आते हैं तो ठीक है, बट
बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो 75% तो मिनिमम आने ही चाहिए ना। मैक्सिमम आप 85 लो, 90 लो, बहुत ईजिली आ जाते हैं। कॉलेज में 90% भी लाना मुश्किल नहीं है, आ जाते हैं। दूसरे कॉलेजेस में आपके पेपर चेक होने जाते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई टीचर आपको जानता है नहीं जानता ऐसा कुछ नहीं होता। आपने शीट्स दी, दूसरे कॉलेज में चेक होने गई, बिल्कुल पेपर आपकी जो शीट है ना, नीट एंड क्लीन आपने अगर लिखा हुआ है, ब्लैक पेन यूज़ किए हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग्स डाली हुई हैं स्पेशली थ्योरी के पेपर में, मैथ्स में आंसर्स को मार्क किया हुआ है, ये आपका आंसर है, तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कॉलेज एग्जाम्स में, क्योंकि पेपर आपको टीचर आपको नहीं जानता ना, वो पर्सनली आपको नहीं जानता आप कैसे हो, आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, वो आपकी शीट आपके बारे में बताती है। तो शीट अगर अच्छे से आपने प्रेजेंट कर रखी है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और ऑब्वियस है कि आपने कुछ अच्छा भी लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि कॉलेज में नहीं पढ़ना पड़ता, माइंड से निकाल दो। लाइफ एक मैराथन है, ठीक है ना, आपको करियर बनाना है, मैराथन है। अगर आपको कल एक जॉब भी मिल गई, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं। जॉब में आप ये थोड़ी ना अपनी मर्जी से जाओगे, मन कर रहा है तो काम करोगे, नहीं तो नहीं। रेगुलरली काम करना पड़ेगा अच्छी जॉब में भी। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि मैम 12th तक पढ़ना था, अब क्यों पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, ये तो मैराथन चलती रहेगी लाइफ में। अगर आपके पास ये पढ़ाई नहीं होगी, जॉब नहीं होगी, तो आप बोर हो जाओगे। तो अपना एक रेगुलर रूटीन बनाओ कि मुझे आज 2 घंटे तो, मतलब रेगुलर 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करो, कल को जॉब भी लगे तो भी आपका एक टाइम पीरियड डिसाइड होगा ना, इतना टाइम काम करना है। तो ये कुछ टाइम पीरियड तो आपका लाइफ का आपके लिए प्रोडक्टिव बनना चाहिए ना, चाहे आज आप पढ़ रहे हो चाहे कल को जॉब कर रहे हो। तो माइंड से निकाल लो पढ़ना ही नहीं है मुझे, आप रेगुलर पढ़ना शुरू करो। आज का दिन अच्छा बनाओ, बस आज मुझे कैसे प्रोडक्टिव करना है, बस आज का सोचो, फिर कल हम देखेंगे कि आज कैसे प्रोडक्टिव करना है। हर एक एक दिन को प्रोडक्टिव बनाते जाओ, काम डिसाइड करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा 3 साल बीबीए बीसीए के कहाँ चलेगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से बातें क्लियर हो गई हैं। मैंने सारे डाउट्स आपके कवर कर दिए जो भी कमेंट सेक्शन में थे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज रिमेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जिन स्टूडेंट्स की अभी भी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस नहीं आए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे कल मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी BCSM 1 का भी शेयर किया है, प्लेलिस्ट भी एंड सिलेबस भी। इसलिए आप लोग भी यूनिवर्सिटीज इनकी रहते कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको PDF एंड प्लेलिस्ट मिलने वाली है। ठीक है।